प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर आज देहरादून पहुंचे। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। करीब सुबह 9:47 पर उनका हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम पर उतरा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। यहां करीब उन्होंने 17 मिनट तक बाबा केदार के पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा लेते हुए वहां मौजूद तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों का पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर अभिनंदन स्वीकार किया। परिक्रमा के बाद प्रधानमंत्री मोदी को मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने शॉल भेंट किया। लोकसभा चुनावों का प्रचार थमने के बाद कल अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच नई सरकार बनाने को लेकर अभी से विपक्ष ने मोर्चाबंदी तेज कर दी है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती से भी मुलाकात करेंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह करीब 6 बजे एक निजी बस पलट गई, जिससे बस में सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 25 लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि यह बस तेज रफ्तार में थी। बस गुरुग्राम से बिहार जा रही थी। पहले से सड़क पर खराब पड़े तरबूज से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से बचने के प्रयास पर ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण हादसा इतना भीषण हो गया। उत्तराखंड के चमोली और उत्तरकाशी जिले में कल देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.8 मापी गई। शुक्रवार की रात करीब 1 बजे चमोली जिले में भूकंप के झटके महसूस हुए। इसका केंद्र जमीन में 10 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री हर्षिल क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप आने से भयभीत स्थानीय लोग एवं यात्री घरों से बाहर निकल गए। जिले में भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं आई है। पाकिस्तान की खस्ताहाल हालत अब लोगों पर भारी पड़ रही है और पाकिस्तान के लोग ही अब वहां के बदतर हो रहे आर्थिक हालात और आसमान छूती महंगाई को सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया को बता रहे हैं। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इस वजह से वहां पर खाने पीने और अन्य जरूरी चीजों की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं। एक डॉलर की कीमत पाकिस्तान में 148 रुपए तक पहुंच गई। इससे पहले ये करीब 141 के आसपास बनी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी मुद्रा एशिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी रही है, जिसकी वजह से एक दर्जन संतरे 360 रुपए तो नींबू और सेब की कीमत 400 रुपए किलो तक हो गई है। 150 रुपए दर्जन केले, मटन 1100 रुपए किलो, चिकन 320 रुपए किलो और 1 लीटर दूध की कीमत 120 से 180 रुपए तक हो गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी कामयाबी मिली, जब सेना के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों से एक आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात 2:30 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों को अवंतीपुरा के पंजगाम गांव में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सीआरपीएफ की 130 बटालियन, आर्मी की 55 राष्ट्र राइफल्स और जेकेपी की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों ने आतंकियों की तलाश में पंजगाम गाँव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों को देखते ही आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आपको बताते चलें कि गुरुवार को भी सुरक्षा बलों के साथ 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकी मारे गए थे।